जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ PYQs। जब भी आप एक क्वेश्चन को देखते हो, स्पेशली जब वो ट्रिग्नोमेट्री का होता है, तो आप उससे जो इन्फरेंस ड्रॉ करते हो कि कौन कौन से पॉसिबल स्टेप्स होने चाहिए, मतलब स्टेप नंबर वन जो है वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को देखते हो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, मेरा पहला स्टेप क्या होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कुछ PYQs पिक करे हुए हैं और उनको हार्डली 3 से 4 4 लाइन में सॉल्व करे हुए हैं सारे PYQs। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सो दैट यू ऑल कैन सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं एंड दो दो तीन तीन लाइन के सॉल्यूशन हैं इनके, 23 और 24 के पेपर से पिक करे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ND2 2023 का। ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विच इज 1 + sin² ऑफ कॉस इनवर्स 3/√17। इस एक्सप्रेशन को देखते ही सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, साइन स्क्वायर है और अंदर कॉस इनवर्स है। तो सबसे पहले मुझे या तो कोसाइन का फंक्शन बनाना पड़ेगा बाहर भी, या तो अंदर साइन इनवर्स का, ठीक है, तभी तो मैं उस एक्सप्रेशन को बाहर ले आ पाऊंगा। बट इस केस में ज्यादा ईजी क्या होगा कि मैं उसको कोसाइन का फंक्शन बना दूँ। एज वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज 1। तो इस साइन स्क्वायर को अगर मैं लिख देता हूँ 1 - cos² ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा मेरा कॉस इनवर्स 3/√17 है, तो आप ये देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। आई होप इट इज विजिबल। मैं थोड़ा सा इस पे एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको देखो cos² कॉस इनवर्स लिख दिया, साइन को मैंने कॉस में चेंज कर दिया बाई यूजिंग द आइडेंटिटी 1 sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, अब एक्सप्रेशन बन गया 1 + 1 - cos² ऑफ कॉस इनवर्स 3/√17, जो कि बहुत ही ईजी है सॉल्व करना। खत्म हो चुका है क्वेश्चन, बस एक स्टेप का ही काम था इसमें। 1 + 1 will become 2, कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स जो भी आर्ग्यूमेंट है वो बाहर आ जाएगा 3/√17 with power 2, उसको आप सॉल्व करेंगे 25/17 इज द आंसर। अब देख पा रहे हैं सिर्फ एक स्टेप अगर आपने सही पिक कर लिया, सही दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन खत्म है वहीं पर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में। ये क्वेश्चन है ND1 2024 का। अगेन एक्सप्रेशन को देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे को दिख रहा है कॉस के साथ एक आर्ग्यूमेंट जो है वही साइन के साथ है, ठीक है, √3 है, थोड़ा सा मिसिंग है, बट आई कैन फिगर आउट कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कुछ आइडेंटिटी बन सकती है जो कि मुझे रिकॉल करवाती है एक आइडेंटिटी का, sin A - sin B की, विच इज sin A sin B, sin A cos B - cos A sin B। अब यहाँ मुझे समझना ये पड़ेगा कि मेरे पास एक एक टर्म तो है, दूसरा टर्म मुझे इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो sin 25 cos 25 है, ये तो देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे sin 50 डिग्रीज बन जाएगा, 2 sin A cos B इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बेसिकली, मतलब उसमें थीटा सेम होता है, 2 sin A cos A इस साइन 2 है, ठीक है, ये सबको पता होनी चाहिए। अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है। मैं पहले दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या करना है। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करा एक्सप्रेशन को और ये फिगर आउट करा कि हमें इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को। तो 4 से जो मल्टीप्लाई किया, आप देख पा रहे हैं कि मैंने उसको इस ब्रैकेट के ही बाहर रख दिया है। जो मैंने अपना एक सोल्यूशन दिखाने की कोशिश की है, मैंने उस 4 को ब्रैकेट के बाहर रख दिया। जो बचे हुए 2s थे, एक 2 को मैंने डिवाइड किया तो √3/2 हो गया और 1/2 हो गया दूसरे एक्सप्रेशन में, और एक 2 मैंने नीचे sin 25 cos 25 डिग्रीज के साथ अटैच कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि sin A cos B - cos A sin B की आइडेंटिटी ऊपर बन चुकी है, वेयर sin 60 डिग्रीज √3/2, cos 60 डिग्रीज 1/2। तो sin A cos B - cos A sin B की आइडेंटिटी बन गई और नीचे 2 sin A sin B की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आएगा, इससे क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 4 times ऑफ। अब हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं sin 60 cos 10 - cos 60 sin 10 और नीचे sin 2 थीटा बन गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करा, 4 बाहर वैसे का वैसे ही रह गया, बाकी एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो जब हमने क्वेश्चन को देखा था तो सबसे पहले आपको समझना था कि आइडेंटिटी कैसे बने, sin A cos B - cos A sin B की आइडेंटिटी बना के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता था। हमने 2 ही स्टेप करे हैं, एक स्टेप में मल्टीप्लीकेशन करके 4 से डिवीजन करके बस टर्म्स अपने बना लिए और हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC इज अ ट्राइंगल सच दैट एंगल C इज 60 डिग्रीज
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ए बी से ही रिलेटेड टर्म्स की पूछिए। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी न्यूमरेटर को देख के, कॉज ए प्लस कॉज बी, इसकी आइडेंटिटी दिमाग में सेव होनी चाहिए। टू कॉज ए प्लस बी बाई टू, कॉज ए माइनस बी बाई टू, मुझे अभी तक याद है, मैं 6 साल हो गए पढ़े हुए। ठीक है, सिमिलरली दूसरी चीज जो दिमाग में आएगी, अगर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्रीज है, इट सिंपली मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 माइनस सी, विच इज 120 डिग्री, इट विल बिकम 120। एक 60 है तो 2 का सम 120 हो जाएगा। ठीक है, इतना दिमाग में अगर आ गया तो बस इसको अप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर हमने एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगाई, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ए माइनस बी बाई टू था जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी की वैल्यू एज आई टोल्ड यू इट विल बिकम 120 डिग्रीज, इट इज 120 डिग्रीज गिवन, इम्प्लिसिट है, मतलब 60 डिग्री सी है तो ए प्लस बी इज 120 ओनली, देन ए प्लस बी बाई टू विल बी 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, 2 × 1/2 इज 1, आंसर इज ऑप्शन सी। हो गया सॉल्व, बस एक आइडेंटिटी लगानी थी और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगेन इट इज अ इजी क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज 16 सेंटीमीटर, बी सी 63, ए सी इज 65। देखो मेजरमेंट दे दिया, मेजरमेंट देने का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ एंगल का आइडिया देना चाह रहा है क्वेश्चन सेटर कि इस मेजरमेंट से आप एंगल्स का आइडिया लगाओ। कैसे लगाओगे, वो खुद से दिमाग लगाओ ना, क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज दिमाग में यही आनी चाहिए, जब सिर्फ आपको साइड्स के वो दिए हैं और एंगल के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले दिमाग लगाना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो नहीं है। तो इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ही है। अब सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो एसी की है, विच मीन्स द एंगल ऑपोजिट टू एसी विल बी 90 डिग्रीज, तो इस केस में बी 90 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल ए प्लस एंगल सी, ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, दिस विल बी 90 डिग्रीज, राइट, क्योंकि टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। तो जैसे हमने फाइंड आउट किया कि बी 90 है तो ए और सी का सम भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन दिया था कॉस 2 ए प्लस कॉस 2 बी प्लस कॉस 2 सी, हमने ए और सी को पिक किया बिकॉज बी की डेफिनेट वैल्यू हमें पता है, बी की डेफिनेट वैल्यू हमने रख दी एक्सप्रेशन में, सीधे हमें कॉस 180 डिग्री मिलेगा जिसकी वैल्यू थी -1, वो तो हमने अलग रख लिया, हमें पता है। दो एक्सप्रेशन बच गए, कॉस 2 ए प्लस कॉस 2 सी, अगेन सेम आइडेंटिटी लगाई हमने जो कि हमने इस क्वेश्चन में यूज की थी, कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी हमने यहाँ भी लगाई। तो एक्सप्रेशन बनेगा 2 ए प्लस 2 सी बाई 2 विच इज ए प्लस सी, कॉस 2 ए माइनस 2 सी बाई 2 विच इज अगेन ए माइनस सी। अब ए प्लस सी जब 90 है, कॉस 90 आप सभी को पता है 0 होता है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस 180 डिग्री जिसकी वैल्यू थी -1, आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, अगेन ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, 30 सेकेंड का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो एक्सप्रेशन देखा, इक्वेट करते इसको, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए था इनवर्स, सेक इनवर्स ऑफ पी एंड कोसेक इनवर्स ऑफ क्यू, पी और क्यू दिया हुआ है एज आर्ग्यूमेंट, दिमाग में आना चाहिए कि सेक इनवर्स ऑफ पी इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/p एंड कोसेक इनवर्स ऑफ क्यू इज साइन इनवर्स ऑफ 1/q। ये सेकेंड लाइन आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की, जैसे ही हमने सेकेंड लाइन में चेंज करा एक्सप्रेशन को, तो हमें पता चला कॉस इनवर्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एन एंगल। ये कब होता है, जब ये 45 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, 45 डिग्रीज किस वैल्यू पे होते हैं दोनों फंक्शन, 1/√2, तो 1/p 1/q को हमने 1/√2 1/√2 को इक्वल रखा, इनकी वैल्यूज हमें मिल गई इक्वल जो कि आ रही है √2। अब √2 आ गई वैल्यू, एक्सप्रेशन में क्या पूछा है, 1/p² प्लस 1/q² 1/p² क्या हो जाएगा 1/2, 1/q² क्या हो जाएगा 1/2, इसको सम करा और आंसर आ गया ऑप्शन ए जो कि है 1। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिखाए, 5 ही थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, बट एक चीज आप जरूर नोटिस कर पाए होंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी थे। सबसे पहली चीज ये है कि एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके दिमाग लगाने की स्टेप नंबर 1 क्या है, और वहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। अब इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और रटने से कुछ भी नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री है, आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी आएगी काम में। ठीक है, जैसे इसको एक्सप्रेशन में, इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अगर आप 11th 12th पढ़ चुके हो तो आपके दिमाग में इंस्टेंट थॉट आना चाहिए कि sin 25 cos 25 है, sin 50 बनेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके। ठीक है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखते दिमाग में आना चाहिए कि साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं मतलब प्रैक्टिस में अभी कमी है, यू हैव नॉट सॉल्व इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू आर समवेयर लैकिंग इन योर प्रैक्टिस। तो जो भी टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद।